स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। मोदी सरकार 3.0 में कितने मंत्री बने? ए 70, बी 71, सी 72, डी 73। आंसर बी 71। एक्सप्लेनेशन: नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिपरिषद में पिछली सरकार के अधिकतर प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में नए चेहरों में मनोहर लाल खट्टर, सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, बंडी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। नई गठबंधन सरकार में 71 मंत्रियों की सूची में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। विभागों की घोषणा अभी नहीं की गई है। अगला प्रश्न: अगले 5 वर्षों में कौन कौन से नए फैसले ले सकती है एनडीए सरकार? ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता, बी एक राष्ट्र एक चुनाव, सी समान नागरिक संहिता कानून, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन: 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिया है। उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा, जिनमें मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक चुनाव, समान नागरिक संहिता कानून, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना इत्यादि है। अगला प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। ये सेवा केंद्र स्पर्श के लिए पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे, जो उनके प्रोफाइल को अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने, डिजिटल वार्षिक पहचान डेटा सत्यापन के अलावा उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। आंसर सी 7 जून। एक्सप्लेनेशन: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस WFSD हर साल 7 जून को मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। ये दिवस हर साल एक विशिष्ट थीम के साथ मनाया जाता है, जो इससे जुड़े अभियानों की मदद करता है। अगला प्रश्न: 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? ए 6.25%, बी 6.50%, सी 6.75%, डी 7.00%। आंसर बी 6.50%। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 5, 6 और 7 जून 2024 को हुई।